माय डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल अल्फ इंग्लिश एकेडमी। आज आपके साथ एक ऐसा चैप्टर शेयर करेंगे जो आप भी कहेंगे वाकई में कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं थे। वो कौन सा चैप्टर है, देखिए, हर वर्सेस हर। जी हाँ, हर वर्सेस हिम, हर वर्सेस हिज, हर वर्सेस देयर से आपने सुना होंगे। आज हम पढ़ेंगे हर वर्सेस हर, कि हर जो है वो उसका मुकाबला ही हर से है। देखिए, हम कैसे पहचाने कि कौन सा हर है। अब आप सोच लोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं कि हम कौन से पहचाने कौन सा हर है, दूसरा हर कहाँ से आ गया। देखिए, हर तो एक ही है, ये बात तो वाकई में एक ही है, लेकिन हर की जो क्लास है, हर के जो रूप हैं, वो दो तरीके से हैं। वो कैसे, देखिए, एक होता है पॉजिटिव केस का हर और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस का हर। ये दो जगह हम हर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों जो हर है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, ये आपने सुना होगा केसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर। ये पूरी जो, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है केसेस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। ये तो खैर लंबा दूसरा चैप्टर हो जाएगा फिर। ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये सारे थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं। जैसे ही, हिज, हिम होता है, तो शी का क्या होता है, हर, हर। अब कंफ्यूजन होती है कि ये वाला हर कहां पर आएगा पॉजिटिव केस का, और ये जो हर है ऑब्जेक्टिव केस, ये कहां पर आएगा। यही डाउट हम आप क्लियर करने जा रहे हैं। तो नाउ लुक एट बोर्ड नाउ। देखिए, हमने क्वेश्चन बनाया कि हम कैसे पहचाने के कौन सा हर है। हर, ये हमारा थर्ड पर्सन है, हर बात लिखी है ताकि आप समझ जाए अच्छे तरीके से। ये हमारा थर्ड पर्सन है, हर तो एक ही है, हर तो एक है, लेकिन इसके दो रूप हैं। वो कौन कौन से, अभी बताया मैं आपको, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे देखते हैं, ये पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात लिख दी, जब पॉजिटिव केस बनकर आएगा, जब पॉजिटिव केस बनकर आएगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिटर्मिनर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यस, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटर्मिनर। अब हम कैसे पहचाने, अभी बता रहे हैं, परेशान ना हो। और अर्थ होगा उसका, उसकी, उसके। क्या मीनिंग होगा, उसका, उसकी, उसके, ये लिखा हुआ यहां पर भी, ठीक है ना। आता किसके लिए, फीमेल के लिए। जी हाँ, उसका, उसकी, उसके, कब होगा ये, जब ये आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिटर्मिनर बनकर आएगा। अब आगे देखें आप, जब ऑब्जेक्टिव केस बनकर आएगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जी हां, ऑब्जेक्ट, और मीनिंग होगा उसको, उसे, उसको, उसे। अब ये ऑब्जेक्ट कब बनकर आएगा, कैसे पहचाने, और पॉजिटिव केस कब होगा, कैसे पहचाने, तो हमने सेंटेंसेस लिखे, आराम से डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिटर्मिनर बनकर आएगा, तो इसके साथ हमेशा नाउन होगा, हमेशा नाउन होगा। ये एलोन, अकेला नहीं होगा। जी हां, अगर हर के साथ नाउन है, कोई भी नाउन है, तो हर क्या कहलाएगा हमारा, जी पॉजिटिव केस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक है, हम इससे सेंटेंस शुरू भी कर सकते हैं, यानी कि इससे सेंटेंस शुरू भी हो जाएगा, लेकिन इस हर पर सेंटेंस खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, अब जब ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, मेन वर्ब के बाद, किस बाद आएगा, मेन वर्ब के बाद, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, प्रीपोजिशन के साथ। कैसे, अभी सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, इस हर से सेंटेंस शुरू नहीं होता, यानी कि अगर सेंटेंस हर से शुरू हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है हमारा, जी वो हमारा पॉजिटिव केस कहलाएगा फिर आपका। ठीक है, और अगर सेंटेंस जो है हर पे खत्म हो रहा है, तो फिर हमारा वो ऑब्जेक्ट है, वो पॉजिटिव केस नहीं कहलाएगा। अब हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखे आपके सामने, दिस इज हर बैग, ये उसका बैग है, तो हर के बाद बैग है ना, हर के बाद बैग है। देखिए, हर बैग, दैट इज हर हाउस। अब पास हो, दूर हो, एक हो, ज्यादा हो, उसका मैटर नहीं है कि दीज आर हर क्लोथ्स, तो हर के बाद क्लोथ्स है, ये उसके कपड़े हैं। व्हाट इज हर नेम, उसका क्या नाम है, देखिए उसका, उसकी, उसके, बस यही आएगा इसके अंदर। वेयर इज हर फ्रेंड, उसका दोस्त कहाँ है, सॉरी रह गया, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, हर के बाद नेम, हर के बाद फ्रेंड, हर के बाद क्लोथ्स, हर के बाद हाउस, ठीक है ना। हु इज हर फादर, अरे उसके अप्पा कौन है, हु इज हर फादर, तो हर के बाद देखिए फादर यूज करा आपने, ठीक है। हु हैज हर नेकलेस, किसके पास था उसका नेकलेस, तो हर के बाद नेकलेस आया। तो ये जो हर है हमारा, ये जो हर है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस, ये हमारा पॉजिटिव केस का हर कहलाएगा, ठीक है, ये उसका, उसकी, उसके। आगे देखिए, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, टेंस लिखा मैंने, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, मैं उसे पसंद करता हूं, आई लाइक हर। तो अब यहां वर्ब के बाद हर, अब हर के बाद कोई नाउन नहीं है, हर पे सेंटेंस खत्म हो गया हमारा,
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मालूम ही होगा, तो वर्ब क्या बात आएगा, यस ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसे क्या कहा मैंने, उसे मीनिंग में देखिए, उसको और उसे, दो मीनिंग होंगे इसके, उसको और उसे, डिफरेंस समझे। अब इसी सेंटेंस को आगे लिया, आई लाइक हर ड्रेस, अब मुझे क्या पसंद है, अब मैं उसकी ड्रेस के बारे में बात करूं, मैं उसकी ड्रेस पसंद करता हूं। अब यहां हर ड्रेस, हर के बाद क्या है, यस हर के बाद हमने एक नाउन यूज करा है, तो अब ये हमारा हर पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव केस, ठीक है। माय मदर हैज मैट हर, मेरी अम्मी उससे मिल चुकी है, मेरी अम्मी उससे मिल ली है, तो मैट थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वर्ब के बाद जी हर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। माय मदर हैज मैट हर मदर, मेरी अम्मी उससे, उसकी अम्मी से मिल ली है, मिल चुकी है। अब ये हर मदर जो यहां पर है, ये जो हर है हमारा, ये कहलाएगा ये वाला हर, ये पॉजिटिव केस वाला, समझ आ गया बात आपकी। आप आगे देखिए, हर ट्वाइस आर इंपोर्टेड, उसके जो ट्वाइस है खिलौने हैं वो इंपोर्टेड है, बाहर के हैं। हर से सेंटेंस शुरू हो गया, हर से सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। क्या लिखा मैंने, जी हाँ, इस हम इससे सेंटेंस शुरू भी कर सकते हैं, पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव की, ठीक है। अब ये हर से सेंटेंस शुरू हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देखिए इसकी क्लिप में आपको अलग से बताऊंगा कि ये डिटर्मिनर कब होता है और एडजेक्टिव कब होता है। फिलहाल ये पॉजिटिव केस ध्यान रखिए, तो हर ट्वाइस आर इंपॉर्टेंट, हर जो है ना, हमें हर के बारे में बात कर रहे हैं कि हर हमारा इससे सेंटेंस शुरू हो जाएगा, इसके बाद अगर नाउन है तो ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव केस। अब ये क्या है हमारा फिलहाल इस वक्त, ये हमारा पॉजिटिव डिटर्मिनर है यहां पे, ठीक है ना। अब आगे देखें, आप देखिए, आई हैव गिवन ए गिफ्ट, मैंने एक तोहफा दे दिया उसको। अब यहां दो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये टू के साथ आया है, टू के साथ। अब ये वर्ब के बाद नहीं है, सेंटेंस खत्म हो रहा है इसके ऊपर, ये डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। अब ये जो हर है हमारा, मैंने क्या कहा था, अब देखिए प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ तो दोनों ही हर आ जाएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद जो हर आ रहा है, अगर उसमें सेंटेंस खत्म हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो वो हमारा हर जो है ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई हैव गिवन अ गिफ्ट टू हर ब्रदर, अब यहां भी सेम सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट लिखे, लेकिन हर ब्रदर, अब यहां हर ब्रदर है, हर का सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, तो ये जो हर है हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव केस का हमारा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा हमारा ये। शी इज टॉकेटिव, वो बातूनी है, शी इज टॉकेटिव, लेकिन हर हैबिट्स आर नाइस, लेकिन उसकी आदत है जवाब नहीं, उम्दा है, बढ़िया है, हर हैबिट्स पॉजिटिव, हर के बाद आपने हैबिट का यूज करा, हर हैबिट उसकी आदत है, तो यहां जो हर है हमारा पॉजिटिव कहलाएगा आपका, ठीक है। वी सैल्यूट हर, हम उसे सलाम करते हैं, वी सैल्यूट हर, हर एम इज सुपर्ब, उसका जो मकसद है बेमिसाल है, हर एम इज सुपर्ब, तो यहां हर हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। और ये शुरू का जो हर है, आप देखिए, सॉरी शुरू करो मैं, सेंटेंस दो है ये फर्स्ट सेंटेंस का जो हर है यहां पे, वी सैल्यूट हर, यहां पर हमारा हर जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिटर्मिनर, कि हर एम इज सुपर्ब, उसका मकसद बेमिसाल है। तो आपने क्या सीखा, हर वर्सेस हर, कि हर, हर का जो इस्तेमाल है, हर का इस्तेमाल कैसे कहां करते हैं और उसको कब क्या कहते हैं, मैंने आपको यह बताया कि हर के बाद, एक दोबारा बताता हूं कि हर के बाद अगर नाउन है, मेन डिफरेंस, तो यस पॉजिटिव केस, और अगर हर पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यस ऑब्जेक्टिव केस। आप इसको देख लो अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बकायदा, इसको तो बकायदा आप जो है अपने पास सेव कर लें, ये बहुत फायदा रहेगा आपके लिए, आपको कभी कभी समझाना है, दोबारा देखना है, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, नॉट इज क्लियर। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हमारे क्लिप को यस शेयर भी करें, दूसरों को पहुंचा सके और कभी फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।